Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, बहुत ऐसे 12th के students होंगे जिनके जो board के exam है वो या तो finish हो चुके हैं या फिर अभी इनका last exam शायद 2nd of June को है. तो उसके बाद ये स्टूडेंट्स होंगे बहुत ऐसे जो CUT का एग्ज़ाम देंगे, जो JEE Mains का एग्ज़ाम देंगे, और उसके बाद वो कॉलेजेस का सर्च करते हैं. अगर उनके जो मीन्स उनका अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं JEE Mains में, तो उन्हें जो लाइक NIT हो गया, IIT हो गया, वो कॉलेज नहीं मिल पाता है. तो वो फिर रेस्ट ऑफ कॉलेजेस के बारे में सर्च करते हैं गूगल पे. तो ऐसे ही आज की इस वीडियो में मैं कॉलेज के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कैसे, अगर आपको इस कॉलेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको एडमिशन लेना है, तो आप कैसे गूगल पर जाकर आपको क्या सर्च करना है कि आपको इस कॉलेज के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा. सो जिस कॉलेज के बारे में आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं CGC लांड्रा. तो इस कॉलेज के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे आप इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, हॉस्टल अवेलेबिलिटी क्या है, इसका लोकेशन क्या है, सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो गाइस, सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है CGC लांड्रा. ऊपर आप सर्च बार में सर्च करेंगे CGC लांड्रा, तो यहाँ पे आप जब एंटर करेंगे तो आपको बहुत सारे वेबसाइट्स यहाँ पे ओपन होगा. आप जब स्क्रॉल करेंगे नीचे पे तो यहाँ पे आपको शो रहा है http://www.cgc.edu.in एंड नीचे में क्या है CGC लांड्रा. इस पर जब आप क्लिक करेंगे इस वाले पेज पे, क्योंकि ये इनका अपडेटेड वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा शो होगा, स्क्रीन ये शो होगा. यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अप्लाई नाउ. अगर आपको एडमिशंस के बारे में कोई भी इंक्वायरी लेनी है तो आप इस पर अप्लाई नाउ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक इंक्वायरी फॉर्म भी शो हो रहा होगा. अब जब आप इसमें यहाँ पे नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, स्टेट, आपकी सिटी से हैं, देन आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, फिर आप अपने यहाँ पे इंक्वायरी को मेंशन करें. इसके बाद जब सबमिट करके इस वाले जब चेक को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो भी आप अपने मोबाइल नंबर को फिल किया होगा उस पर आपको कॉलेज की तरफ से कॉल आएगा रिगार्डिंग कि आपको एडमिशन लेना है, किस कोर्स में एडमिशन लेना है, क्या फीस लगता है, आप ये सब चीज़ें यहाँ पे पूछ सकते हैं. या फिर यहाँ पे जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी एक फॉर्म ओपन हो जाता है. अब एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है. यहाँ पे आपको कुछ टोल फ्री नंबर भी है, ये दोनों नंबर एंड ये यहाँ पे एडमिशन इंक्वायरी नंबर है, आप इन सब पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं. अगर आप कभी कभी क्या होता है कि कॉल नहीं लग पा रहा है, कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा है कोई, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं. इसमें आप नेम, ईमेल एड्रेस, देन यहाँ पे फोन नंबर, देन आप जब फोन नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपके फोन नंबर पे OTP जाएगा, OTP फिल करना है. फिर आपको स्टेट, देन आपको सिटी, देन आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कोर्स आपको यहाँ फिल करना है. फिर जब आप इस चेक को क्लिक कर देंगे, फिर रजिस्टर करने के बाद आपको कॉलेज की साइट से जो आपने रोल नंबर फोन नंबर यहाँ पे एंटर किया है उस पर कॉल आएगा. देन आप उनसे फिर इन चीज़ों के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपको एडमिशन लेना है, किस में एडमिशन लेना है. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, मीन्स कि अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि CGC कॉलेज का नाम क्या है, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज लांड्रा, बट इस कॉलेज के अंडर में भी बहुत सारे सब कॉलेजेस हैं. मीन्स जैसे कि एक बिल्डिंग हो गया, वो एक बिल्डिंग अलग इंजीनियरिंग ब्लॉक है, एक हो गया अलग फार्मेसी ब्लॉक है, एक हो गया अलग HM ब्लॉक है होटल मैनेजमेंट, एक हो गया अलग बायोटेक्नोलॉजी, एक हो गया अलग लाइक कंप्यूटर एप्लीकेशन BC हो गया, फिर BBA हो गया, CBS हो गया, इन सबका अलग अलग है. सो इंजीनियरिंग्स में भी टू ब्लॉक्स हो जाए, इंजीनियरिंग में भी टू ब्लॉक्स है, लाइक चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज है. फिर जब आप इंजीनियरिंग में फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में होते हैं तो आपके ब्लॉक्स अलग है, वो जब आप कॉलेज में आएंगे एडमिशन लेंगे आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा. सो जब आप इंजीनियरिंग सेक्शन में जाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं, बीटेक इन CSE, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग. फिर आप अगर आप लीड स्टूडेंट हैं तो आप उससे भी एंट्री ले सकते हैं. फिर AI, ML, देन आप MTech भी कर सकते हैं यहाँ से, कंप्यूटर साइंस में, IT में, ECE में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. फिर यहाँ पे BSc का भी ऑप्शन है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. एंड अब क्या है, कॉलेज में एक नया फील्ड ऐड हो गया है, बीटेक इन मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो जो बच्चे इन फील्ड में इंटरेस्टेड है वो भी आपके इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं. फिर आपको यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट में दिख रहा होगा, आपका BBA हो गया, BSc हो गया, डाटा एनालिटिक्स हो गया, फिर आपका MBA का भी कोर्स है यहाँ पे, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं. फिर फार्मेसी में क्या है, बी फार्मेसी, लीड स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकता है. फिर बहुत सारे फील्ड्स हैं फार्मेसी में, देन यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी है, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो हो गया BCA, MCA, BSc इन ग्राफिक्स एंड वेब डिजाइनिंग, देन BSc इन साइबर सिक्योरिटी. तो इन सब का चीज़ भी ऑप्शन अवेलेबल है. फिर आपके पास क्या है, BCom भी कर सकते हैं यहाँ पे, ये BEd का भी ऑप्शन अवेलेबल है कॉलेज में, फिर HM का भी ऑप्शन है. तो इन सब चीज़ों को आप जाकर वेबसाइट से चेक करके जिस भी फील्ड में आपको एडमिशन लेना है उसके बारे में आप पहले रिसर्च कर लें, देन आप यहाँ पर आकर इस कॉलेज की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि वो चीज़ें
मीन्स आपको जिस टाइप्स के कोर्स चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, देन आप इंक्वायरी पे कॉल करके ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा इन सब चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक CEC का स्टूडेंट ही हूँ, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि आपके जो भी डाउट्स हों वो डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन पे जाकर आप कॉलेज के लिए, मीन्स वही सेम प्रोसेस है जो आपको अभी पहले स्क्रीन पे शो हो रहा था। फिर ये कॉलेज के बारे में कुछ अवार्ड्स हैं, रैंकिंग्स हैं जो कॉलेज ने, जो CGC ने अचीव किया है, तो ये सब जाकर आप चेक कर सकते हैं। एंड गाइस, ये जो वेबसाइट है CGC का, ये पहले से अब बहुत ज़्यादा बेटर है। अब पहले क्या था, मीन्स जो इसका प्रीवियस वेबसाइट था CGC का, उस पर इतने चीज़ें, इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था, मीन्स अवेलेबल था बट इतना अपडेटेड नहीं था। बट अब इस वेबसाइट को बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया गया है, बहुत ही, अगर आप इसको एक्सेस करते हैं तो आप इस सिर्फ इस वेबसाइट से ही आप कॉलेज के बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे अबाउट अस में सभी चीज़ें हैं, जैसे चेयरमैन्स हो गया, प्रेसिडेंट, जो भी मीन्स उसके उनके साइड से जो भी मैसेज होता है कि आप मीन्स स्टूडेंट्स के लिए कि आप ऐसे स्टूडेंट स्टडी करें, ऐसे पढ़े, जो भी एक्सेट्रा होता है। फिर आपकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, फिर कॉलेज को भी अवार्ड्स हैं, रैंकिंग्स हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। फिर आपको एडमिशन लेना अगर 22-23 बैचेस, मीन्स 22-23 एकेडमिक ईयर में, तो उसके लिए आपको क्या फीस स्ट्रक्चर होगा। फिर स्कॉलरशिप डिटेल्स है, मीन्स बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है, मीन्स कि अब इंटरनेशनल एक्सपोजर में क्या होता है कि सपोज अगर आपको क्या होता है कि कॉलेज स्विच होता है, लाइक आपका सपोज 4 ईयर का कोर्स है, तो आपने 2 साल का कोर्स यहाँ से किया, एक होता है फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, उसी को बोलते हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर, तो वो चीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। फिर हाउ टू अप्लाई, जो कि यहाँ पे ये वाला सेक्शन है, अप्लाई नाउ, इंक्वायरी फॉरम, ये सेम चीज़ है, अप्लाई नाउ, कैंपस टूर भी यहाँ पे फोटोज अवेलेबल है आपको। एंड इस वेबसाइट पे एक वर्चुअल कैंपस टूर भी अवेलेबल है, वो चीज़ भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे अभी। यहाँ से आप कॉन्टैक्ट, अगर आपको कॉलेज के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, फीस स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, यहाँ से तो आप देख ही सकते हैं, जैसे आपने क्लिक किया फीस स्ट्रक्चर पे, तो यहाँ से देख सकते हैं आपको सभी ब्रांचेस के रिगार्डिंग आपको फीस स्ट्रक्चर अवेलेबल है। लाइक फर्स्ट है BTech इन कंप्यूटर साइंस, तो 4 ईयर का कोर्स है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फीस होगा 49,000, देन सेकेंड टू 8th सेमेस्टर तक फीस होगा आपका 47,500, एंड ये फिक्स फीस है, ये चेंज नहीं होगा। मे बी कुछ लिटिल बिट अमाउंट है जो थोड़ा ऐड होता है बीच में, आपको कहीं कहीं भी पे करना होता है, वो आपको कॉलेज की तरफ से पहले बता दिया जाएगा। फिर जितने भी ब्रांचेज हैं यहाँ पे, लाइक बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन मैकेनिकल, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग भी नया नया ऐड हुआ है कॉलेजेस में, फिर बीटेक इन AI एंड डाटा साइंस है, बीटेक लेटरल एंट्री है जो लेट स्टूडेंट होते हैं, फिर यहाँ पे BSc नॉन मेडिकल, बहुत सारे ब्रांचेज हैं आपको जो इसमें एडमिशन लेना, आप यहाँ पे आकर चेक कर सकते हैं। MBA, बी फार्मा, एम फार्मा, फिर यहाँ पे जो एच होटल मैनेजमेंट होता है वो भी हो गया, फिर यहाँ पे हॉस्टल्स भी है कॉलेजेस में, इस कॉलेज में हॉस्टल भी है। लाइक हॉस्टल भी 2 या 3 टाइप्स के, लाइक एक हॉस्टल का नेम है सद्भावना हॉस्टल, फिर न्यू हॉस्टल, सुख सागर हॉस्टल, तो क्या है कि हर एक हॉस्टल्स में, लाइक किसी हॉस्टल में पर रूम 4 बेड है, किसी हॉस्टल में पर रूम 2 बेड है, किसी हॉस्टल में AC अवेलेबल है, तो उसके रिगार्डिंग जो फीसेज में डिफरेंसेज है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। लाइक ये जो 2 सीटर है, 1,10,000 ये 1 ईयर का फीस है, एंड ये जो है मीन्स सुख सागर में है फीस है, इसमें क्या है कि आपको पर रूम 2 स्टूडेंट है, लेकिन इसमें आपको AC अवेलेबल नहीं होगा। फिर 3 सीटर जो न्यू हॉस्टल है, इसमें आपको AC अवेलेबल होगा, लेकिन पर रूम कैपेसिटी है 3 स्टूडेंट्स का, इसका भी फीस है 1,10,000। फिर यहाँ पे 3 सीटर 1 लाख, यहाँ पे 95,000 जो कि है आई थिंक सद्भावना हॉस्टल का फीस है। इसमें मे भी कहीं भी आप जाकर जब आप कॉलेज विजिट करेंगे, तो कॉलेज एडमिशन लेने से पहले मेरी एक आपसे एक सुझाव है कि आप एडमिशन लेने से पहले कॉलेज विजिट कर लें, सो दैट कि आपको कॉलेज के बारे में पहले से ही पता हो जाए कि आपको किस कौन सा हॉस्टल लेना चाहिए। सद्भावना लेना है, सुख सागर लेना है, फिर से न्यू हॉस्टल है, शांति कुंज है, डिफरेंट टाइप हॉस्टल्स है, ये बॉयज हॉस्टल्स है, फिर आपको गर्ल्स हॉस्टल एक ही है जिसका नेम है कल्पना हॉस्टल, तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे फैसिलिटी है। लाइक 2 सीटर के लिए 1,10,000 है, फिर 2 सीटर विथ अटैच बाथरूम तो उसके लिए आपको 1,25,000 है, फिर 4 सीटर है तो 95,000 है, तो ये सभी ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल है। आप जाकर कॉलेज विजिट करें, हॉस्टल विजिट करें, वहाँ पे चेक करें कि आपके लिए कौन सा हॉस्टल सुटेबल है, आप किस में कंफर्टेबल रहेंगे, 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर, उसके अकॉर्डिंग आप हॉस्टल्स चूज कर सकते हैं। फिर इसमें और भी डिफरेंट 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 चीज़ें हैं, लाइक आप यहाँ पे आप प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग आपको एडमिशन लेना, आप जाकर यहाँ पे चेक कर सकते हैं सारे।
पर आपका इंस्टीट्यूशन है। हाँ, यही चीज़ के बारे में बात कर रहा था कि सपोज आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आपका आप होंगे या तो चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर CGC कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसको हम बोलते हैं COE। फिर जो स्टूडेंट्स फार्मेसी के लिए उनके लिए एक अलग ब्लॉक है तो वो है फार्मेसी ब्लॉक। फिर जो स्टूडेंट्स बिजनेस मैनेजमेंट है लाइक BBA हो गया उनके लिए अलग ब्लॉक है। सिमिलरली यहाँ पे हॉस्पिटलिटी मतलब HM ब्लॉक हो गया, यहाँ पे इनके लिए अलग ब्लॉक है। ये एजुकेशन हो गया लाइक BEd, उनके लिए अलग ब्लॉक है। तो आप कॉलेज विजिट करेंगे आपको इन सभी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। कॉलेज जो ये ब्लॉक है इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम है लाइक विल्सन ब्लॉक हो गया, APJ अब्दुल कलाम ब्लॉक हो गया। तो ये सब चीज़ आपको कॉलेज जाकर आइडिया लग जाएगा। फिर एक्सप्लोरेशन में क्या है कि रिसर्च एंड इनोवेशन फील्ड में कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे कॉलेज में एक नया डिपार्टमेंट आया है जिसको हम बोलते हैं राइज डिपार्टमेंट। इसमें क्या है कि सपोज आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है तो आप वहाँ जाकर प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप टीचर को वो आइडिया ऐसा लगता है कि हाँ ये आइडिया को हम फर्दर आगे मीन्स इसको और बेटर डेवलप कर सकते हैं और ये सोसाइटी के लिए एक बहुत मीन्स यूजफुल होगा, तो वो फिर प्रमोट भी करते हैं यहाँ से आपके जो आपका स्टार्टअप आइडिया होगा। फिर आपका प्लेसमेंट्स हो गया, प्लेसमेंट्स में आप जाकर यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन कौन सी कंपनीज आती है, क्या यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है। जैसे कि आपको यहाँ पे शो रहा होगा फ्रंट स्क्रीन पर 800 प्लस कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती है, इतने प्लेसमेंट्स ऑफर है, हाईएस्ट पैकेज, देन स्टूडेंट्स कितने प्लेस हुए हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशनड है। फिर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू भी आपको मिल जाएगा जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लेसमेंट ले चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब का, ये स्टूडेंट है BTech IT स्टूडेंट फ्रॉम ग्वालियर, इनका पैकेज क्या है 9.87 लाख पर एनम। सो इस कॉलेज में लाइक ऐसा नहीं है कि ये जो यहाँ पे ये शो हो रहा है ये फेक होगा, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारी कंपनीज आती है। लाइक अभी मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ तो मेरे सामने बहुत सारी कंपनीज आ रही है जिनके पैकेज 9 लाख 10 लाख 12 लाख 14 लाख 20 लाख तक की कंपनीज भी अभी तक आ चुकी है एंड बहुत सारे बच्चे प्लेस भी ऑलरेडी कंपनी में हो चुके हैं। सो ये कंपनीज जो यहाँ पे शो होती है प्लेसमेंट्स ये कंपनीज आती है एंड यहाँ पे और भी चीज़ें शो देख जैसे कि ये स्टूडेंट्स है 10 लाख पर एनम कंपनी का नेम है लीडो लर्निंग, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है, आप ये चीज़ जाकर यहाँ पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो इनके कॉन्टैक्ट नंबर है। फिर अगर आप यहाँ पे रीजन वाइज भी गिवन है लाइक JNK जम्मू कश्मीर, फिर अगर कोई स्टूडेंट्स बिहार का है झारखंड का है तो यहाँ से हेल्पलाइन नंबर पर आप यहाँ पे कॉल करके फिर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक डिटेल्स है, ये बैंक डिटेल्स अभी आपके काम का नहीं होगा लेकिन जब आप कॉलेज के स्टूडेंट बन जाएंगे फिर आपको यहाँ से आकर जो आपका सेमेस्टर फीस होगा वो यहीं से आप पे करना होगा या फिर वहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट या वहाँ पे भी जाकर पे कर सकते हैं। फिर कॉलेज में NCC जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है इसका भी ये भी यहाँ पे एक अलग सा ग्रुप है जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है NCC के रिगार्डिंग। सो आप एडमिशन लेंगे कॉलेज में तो आपको उसको पहले ट्रायल देना पड़ेगा, वो ट्रायल क्लियर करने के बाद आपका जो सिलेक्शन होगा वो NCC में हो जाएगा। फिर NCC में बहुत सारे ट्रेनिंग्स करवाते हैं, फिर मार्चेस में आपको परफॉर्म करना होगा, ये सब चीज़ें हैं कॉलेज में आपको इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे आपके कॉलेज के रूल रेगुलेशन है वो तो आप पहले पढ़े या कॉलेज में आने के बाद पढ़े वहाँ भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे मेन है वो कैंपस टूर है कॉलेज का, क्योंकि इस वेबसाइट पे कॉलेज ने नया चीज़ ऐड किया है वर्चुअल कैंपस टूर। सो यहाँ पे जो डिफरेंट ब्लॉक्स हो गए लाइक ये हो गया मैकेनिकल ब्लॉक, CGCU जो इंजीनियरिंग ब्लॉक है, अप्लाइड साइंस ब्लॉक, इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स चंडीगढ़ इंजीनियरिंग ब्लॉक के होते हैं CEC जिसमें CS और IT के स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले अप्लाइड साइंस में फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में उनका ब्लॉक होता है अप्लाइड साइंस, फिर वो इस ब्लॉक में शिफ्ट होते हैं। वो जब आप कॉलेज में आएंगे तो आपको पता लग जाएगा, अभी आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा। फिर ये पूरा आप यहाँ से कॉलेज का वर्चुअल टूर भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे आपको लोकेशन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये फर्दर आपको जैसे ब्लॉक टू ब्लॉक आप ब्लॉक के अंदर जाकर भी इसका वर्चुअल टूर कर सकते हैं। ये सभी ये ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी आपको कॉलेज के बारे में कुछ पता नहीं है तो अभी आपको ये जो वर्चुअल टूर इससे आपको आइडिया नहीं लग पाएगा, लेकिन मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको यहीं से इसी वर्चुअल टूर की हेल्प से आपको पूरा जो कॉलेज का जितना भी पूरा एरिया है पूरा कॉलेज का कैंपस है वो आपको सभी चीज़ें डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइज आई होप कि आपको आज के इस वीडियो से ये क्लियर हो गया होगा कि आपको अगर CGC लांड्रा में एडमिशन लेना है, CGC लांड्रा ये जो मैं डिस्कस किया हूँ वो चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज लांड्रा का है, इसका एक और ब्रांच है जिसको बोलते हैं CGC झंझेरी, तो वो ये नहीं है, ये CGC लांड्रा का है। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे आके जो आपका इंक्वायरी फॉर्म है उस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर अप्लाई नाउ पे जाकर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आप जितना जल्दी अप्लाई करें उतना आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जो कंप्यूटर साइंस एंड IT ब्रांच लेना चाहते हैं, उसमें क्या होता है कि इन सीट्स के लिए जो मीन्स बहुत बच्चे चाहते हैं कि वो CS और IT लें, तो ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चे पहले आते हैं उन्हें पहले मिल जाता है, लेकिन
कभी कभी क्या होता है, जो बच्चे लेट आते हैं उन्हें यहाँ पे सीट्स फुल होने के बाद वो आपको सीट्स नहीं मिल पाएगा। सो मेरा एक सजेशन है कि आप जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे आकर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मेरा बेस्ट सजेशन आपके लिए होगा कि आप पहले वेबसाइट पे इसका रिव्यू पढ़ लें, फिर आप एक बार कॉलेज विजिट कर लें। कॉलेज कैंपस विजिट करने से क्या होगा कि आप एक बार कॉलेज का पूरा कैंपस ही विजिट कर लेंगे, आपको कॉलेज के बारे में आइडिया भी लग जाएगा। अब फिर यहाँ आप जो ये भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपने जो वेबसाइट पे पढ़ा है और जो कॉलेज का कैंपस है उसमें क्या डिफरेंस है, मैंने जो बताया है और कॉलेज में क्या डिफरेंस है, ये भी आप देख सकते हैं अगर आपको डाउट हो। एंड फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस भी इतना कोई ईजी नहीं है, आपके लिए वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल होंगे। आप गेट से एंट्री करें, आप गार्ड को बताएं कि आपको एडमिशन लेना है, वो आपको एडमिशन ब्लॉक में भेजेंगे, वहाँ पे आपके लिए टीचर्स अवेलेबल होंगे। अब वो आपको सभी चीज़ें बता देंगे कि आपको क्या फॉर्म फिल करना है, कितना पेमेंट पे करना है स्टार्टिंग में, सब चीज़ें। तो एडमिशन प्रोसेस भी इतना कोई हार्ड नहीं है, बस मेरा सजेशन ये कि आप एक बार कॉलेज विजिट कर लें, उससे आपका एडमिशन आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो गाइज, आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो कॉलेज के रिगार्डिंग, इस कॉलेज के रिगार्डिंग, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको इस कॉलेज के ऊपर और वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताएं, मैं डेफिनेटली इस कॉलेज सी जी सी लैंडर के ऊपर और वीडियोज़ बनाऊंगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।